आईफोन की कीमत हम उसके एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा चुकाते हैं। क्या आप जानते हैं आईफोन इतने महंगे क्यों हैं? जो कीमत आईफोन की आप चुका रहे, असल में आईफोन उतना महंगा नहीं होता। तो फिर सवाल ये कि आखिर आईफोन को इतना महंगा क्यों बेचा जा रहा, और इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद लोग इसे क्यों खरीद रहे। एप्पल ने अपनी एक इमेज बना ली है, जैसे सैमसंग के फोन सस्ते भी आते हैं और महंगे भी, लेकिन एप्पल सिर्फ महंगे फोन ही बेचता है और इसका क्लास डिसाइडेड है। सैमसंग के फोन कोई भी खरीद सकता है, लेकिन एप्पल को हर कोई नहीं खरीद सकता। फ्रेंड्स, आईफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। पहले घर, ज्वेलरी, कार को स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन अब आईफोन को स्टेटस सिंबल माना जाता है। महंगा होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। एक तो फोन का लुक स्मार्ट है, इसमें कई फैसिलिटीज हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स, इस फोन की कीमत लोग बहुत ज्यादा चुकाते हैं। आखिर एक्चुअल दाम और मार्केट प्राइस में इतना फर्क क्यों आ रहा, इसी सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है और क्या ये रीजनेबल है, इन सारी बातों की चलिए पड़ताल करते हैं। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पर जो बचता है वो हुआ प्रॉफिट। लेकिन आईफोन तो प्रॉफिट इतना ले रहा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। स्टीव जॉब्स के जुनून और दिमाग की उपज एप्पल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जॉब्स ने पहला टच स्क्रीन बनाकर दुनिया के सामने रखा और ब्लैकबेरी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन आईफोन को कई परेशानियों से भी गुजरना पड़ा। आईफोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम लोग इसे खरीदते थे। इसके पीछे कई रीजन थे, जैसे चाइना की खराब इकोनॉमी, मार्केट में अप एंड डाउन, लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक कारण था एप्पल का नया कॉम्पिटिटर, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद एप्पल ही था। क्योंकि अगर किसी ने एक बार एप्पल फोन खरीद लिया तो लंबे समय तक फोन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार फोन पुराना हो गया तो इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन एप्पल की मार्केट वैल्यू बाकी फोन से ज्यादा रहती है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि एप्पल एक साल की वारंटी देता है। कुछ भी प्रॉब्लम होने पर रिपेयरिंग नहीं बल्कि सीधे दूसरा नया सेट आपके हाथों में दे दिया जाता है। अब ये सब कंपनी को मेंटेन करना है, तो सोचिए कंपनी क्या करेगी। ठीक समझा आपने, कंपनी आपसे ही तो इसकी भरपाई करेगी। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट दो तरीके से मिलते हैं, एक ज्यादा संख्या में सामान बेचा जाए और कीमत कम रखी जाए, दूसरी कम संख्या में सामान बेचा जाए लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होगी और उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी। इस दूसरे फॉर्मूले को ही एप्पल ने अपनाया है, यानी कि भले ही आईफोन कम बिक रहे लेकिन फिर भी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन रेट और सेलिंग प्राइस में बहुत बहुत ज्यादा का अंतर है। फ्रेंड्स, कई लोग ये भी सोचते हैं दाम ज्यादा है तो सामान तो अच्छा होगा ही, आईफोन अच्छा है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए जो दाम लोगों से लिए जा रहे वो भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हम नाम के लिए सिर्फ पैसे दे रहे? क्या एप्पल लोगों के लिए हम प्रीमियम प्राइस पे कर रहे? एक बात तो साफ है कि ये अपनी कीमत को जस्टिफाई नहीं करती। एप्पल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक जाल बना रखा है जिसमें एप्पल के अलावा और कोई नहीं। ऐसे में जो एक बार एप्पल प्रोडक्ट यूज करेगा वो नेक्स्ट टाइम भी एप्पल की ओर ही जाएगा। दाम ज्यादा होने के पीछे की एक और वजह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एप्पल को ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एप्पल स्टोर्स में भी काफी खर्च कर रहा है, इसके स्टोर जिन जगहों पर मिलेंगे वो भी महंगे होते हैं। साथ ही मार्केटिंग में भी एप्पल बहुत खर्चा करता है, इसके एड टॉप क्लास के हैं, और इन सारी चीजों की भरपाई तो एप्पल अपने कस्टमर से ही करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इतना महंगा है आईफोन। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, अगर किसी आईफोन की कीमत आप 1.5 से 2 लाख चुका रहे हैं तो असल में वो 60 से 65 हजार का ही होगा। अब सवाल ये कि इतना मुनाफा क्यों लिया जा रहा। आईफोन की एक जो बहुत बड़ी खासियत है जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाती है वो भी आपको बताते हैं। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एप्पल कंपनी बनाती है, और एंड्रॉइड से अलग आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS आईफोन के हार्डवेयर से 100% कंफर्टेबल होता है। मतलब ये कि iOS को उसी हार्डवेयर के हिसाब से बनाया जाता है जो आईफोन में यूज होता है, एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स, आपने नोकिया के पुराने फीचर्स फोन जरूर यूज किए होंगे जो कभी हैंग नहीं होते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि फोन में यूज होने वाला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल होता था। आईफोन के पार्ट्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है। आईफोन का ग्लास काफी हार्ड और मजबूत होता है,
ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसे डिजाइन करने में भी आईफोन काफी मेहनत करता है। इसके एप्स भी यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मोबाइल सेट ऐसे बनाए गए हैं कि जल्दी हाथ से छूटे ना, और अगर गिर भी जाए तो बाकी फोन के मुकाबले इसके स्क्रीन को कम नुकसान होगा। फोटो की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी वजह है कि आईफोन की जो कीमत है उससे कई ज्यादा पैसे वो अपने कस्टमर से वसूलता है, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना कॉस्टली होने के बावजूद ये अपने यूजर्स बढ़ाता जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप आगे भी देख सकें।